माँ ठीक हो गई नंदिनी, वो लौट आई है, वो लौट आई है। मुबारक हो मिस्टर बुल्ला ठाकुर, आपकी पत्नी कोमा से बाहर आ गई। लेकिन शायद वो किसी को पहचान नहीं पाएंगी। किसी भी चीज पर कोई रिएक्ट ही नहीं कर रही। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? देखिए मिस्टर बुलराज, अक्सर ऐसा होता है कि लंबे समय तक कोमा में रहने के बाद जब पेशेंट को होश आता है तो कभी कभी कुछ समय के लिए और कभी कभी लंबे समय के लिए भी पेशेंट की याददाश्त चली जाती है, लेकिन फिर बार बार उसे याद दिलाने पर उसकी याददाश्त वापस भी लौट आती है। हम उन्हें नींद का इंजेक्शन देकर सुलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि जब वो सोकर उठे तो सब लोगों को पहचान सके। लेकिन डॉक्टर, अगर तब भी भाभी की याददाश्त वापस नहीं आए तो याददाश्त वापस लौटाने के लिए उनका इलाज शुरू करना होगा, रिकॉल थेरेपी शुरू करनी होगी। डॉक्टर साहब, इसका मतलब है कि नीलिमा को अस्पताल में रहना पड़ेगा? हाँ, उन्हें तब तक तो हॉस्पिटल में रहना ही होगा जब तक कि उनके अतीत से जुड़ी हुई कम से कम एक बात भी उन्हें याद नहीं आ जाती। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब उनकी याददाश्त वापस लौटने में ज्यादा वक्त लगेगा। सबसे बड़ी बात तो उनका कोमा से बाहर आना था, जो कि वो आ चुकी हैं। मिस्टर बुलराज, आप उन्हें जल्दी घर ले जा सकेंगे। सर, इनके इंजेक्शन का उन पर कोई असर नहीं हो रहा, हैवी डोज देने के बाद भी नींद नहीं आ रही। क्या बात है नीलिमा, रात भर करवटे बदलने का इरादा है या सोने का भी? सोना तो चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं ये नींद कहाँ चली गई। इतनी सी बात? चलो ठीक है, हम बुला लेते हैं आपकी नींद को।
कोई देखेगा तो क्या कहेगा? दुनिया के लिए इतने बड़े भाई राजा अपनी बीवी के गुलाम बनकर उसकी सेवा कर रहे हैं। जो भी देखेगा यही कहेगा कि भाई राजा अपनी बीवी से कितना प्यार करता है, इसलिए उसके हाथों के प्यार भरे स्पर्श से बीवी को नींद आती है, है ना? चलो सो जा भी। आंखें बंद सो जा, सो जा। कमाल है मिस्टर बलराज, जो काम हमारा नील का इंजेक्शन नहीं कर पाया वो काम आपने इतनी आसानी से कर दिया, वाकई कमाल है। जब भी नीलिमा को नींद नहीं आती थी हम ऐसे ऐसे सुला देते थे, यानी उन्हें अतीत की याद नहीं है लेकिन अतीत की आदतें बिल्कुल वैसी हैं। मिस्टर बलराज, रिकॉल थेरेपी में मुझे आपकी बहुत जरूरत पड़ेगी, और हां आप सबकी भी जरूरत होगी। आपको जब भी हमारी जरूरत पड़े आप हमें बुला सकते हैं, लेकिन आप भाभी को ठीक कर दीजिए। भगवान ने चाहा तो ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। बड़ी माँ पूरी तरह से ठीक होकर वापस घर आ जाएगी। हाँ बेटा, लेकिन आपको किसने बताया कि बड़ी माँ ठीक हो गई हैं? वो मैं आपको घर आने पर ही बताऊंगी। आप लोग घर कब आ रहे हैं? बस थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं परी। ओके बाय माँ। शुक्र। मुझे पूरा यकीन था बेटा कि दुल्हन जल्दी ठीक हो जाएगी।
अल्लाह ने हमारी सुन ली, अल्लाह ने सुन ली बेटा। ये देखो नौटंकी, अरे असली नौटंकी तो अब होगी, एक बेटी और दुई दुई माँ। अब बेचारी बेटी किस माँ को अपनाएगी और किस माँ को ठुकराएगी? अरे राजा बेटा, ये तो बहुत खुशी का समाचार है, नीलमा बहू बहुत अच्छे वक्त पर ठीक हो गई है। अरे हम कहते हैं कि ये प्रिंसवा और हमरी नंदनी अगर परी को लेकर दुबई चले जाते ना तो सचमुच डर हो जाती। और बवाल घर में होता सुनिए अलग, हम का भैया भाभी घर कब आ रही है? बहुत ही जल्द कुंजन, बहुत ही जल्द। ताऊ जी, बड़ी माँ परी के प्रार्थना के वजह से ठीक हुई है। ये देखिए परी ने प्रार्थना के बाद क्या बनाया है। माँ, ये परी ने लिखा है? हाँ बुआ, ये परी ने ही लिखा है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? परी को हिंदी लिखना नहीं आता है। माँ, हम भगवान जी से बड़ी माँ के लिए प्रार्थना कर रहे थे और वहीं बैठकर हम ड्राइंग कर रहे थे और पता नहीं एक लाइन खींच गई और वहाँ माँ आ गया। अरे परी बिटिया, देखिए कि कहाँ लिखा है। अरे वाह, परी बिटिया को तो हिंदी लिखना आ गवा है, कितना सुंदर माँ लिखा है तुमने। हा? लेकिन हमें हिंदी लिखना आता ही नहीं काका। परी बिटिया, तुम्हें हिंदी लिखना नहीं आता है तो फिर ये लिखा कैसे? हमें पता नहीं, हम सच कह रहे हैं कि हमें हिंदी लिखना नहीं आता काका। ये सब भगवान जी का खेल है। हम देखत रहे परी बिटिया कि तुम भगवान जी से प्रार्थना कर रही थी अपनी बड़ी माँ को ठीक होने के लिए, है ना? और मन ही मन ये सोच रही होगी कि पता नहीं भगवान जी तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे कि नहीं, है ना? हाँ काका। और भगवान जी ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली और यही खातिर तुम्हारे हाथ से माँ लिखा दिया, समझ गई ना? अब देखना मालकिन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सच काका? और नहीं तो का, नहीं तो भगवान जी तुम्हारे हाथ से माँ काहे लिखवाते? हाँ, हमने तो बड़ी माँ के लिए प्रार्थना किया, फिर हमने बड़ी माँ क्यों नहीं लिखा? अरे परी बिटिया, बड़ी माँ भी तो माँ ही होती है ना। अब तुम चिंता मत करो, बड़ी माँ बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। हाँ
लेकिन मामा, माँ की जगह बड़ी माँ लिखा होता तो बड़ी माँ ठीक होकर आप लोग के साथ घर वापस आ जाती थी। वो घर कब आएगी मामा? बहुत जल्दी बेटा, बहुत जल्दी। परी बेटा, अब कल तुम्हारा स्कूल है ना, तो तुम जाकर अब सो जाओ हैं? और ये कागज है ना, अपने तकिए के नीचे रख। कहा है कि इसमें भगवान का आशीर्वाद है ना। ये लो। ठीक है मामा। माँ, आप हमें सुला दीजिए ना। हाँ परी, आप चलो, हम अभी आते हैं। अरे हमारी कुहू बेटी को नींद आ रही है ना, चलो आ जाओ, आज हम आपको सुला देते हैं। आ जाओ। ये हुई ना बात। अच्छा आप सभी सो जाइए, काफी देर हो गई है। आपकी आंखों में ये आंसू क्यों? ये तो खुशी के आंसू है। आपने देखा ना प्रिंस, आज परी ने पहली बार नीलिमा भाभी के लिए भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली। अपना खून आखिर अपना खून ही होता है ना। परी प्रार्थना करे और भगवान ना सुने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। हम जानते हैं नंदिनी, जन्म देने वाली माँ के साथ बच्चे का खून का रिश्ता होता है, लेकिन जो माँ उस बच्चे को ममता की छांव में पाले उसके साथ दिल का रिश्ता होता है। कान्हा से बिछड़ने के बाद यशोदा माँ पर क्या बीती थी ये कोई उनसे पूछे। बचपन से ही अपने बच्चे से दूर रही देव की मां का दर्द यशोदा मां के सामने कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं।